हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर हनी डे बुक. ओके, द चैप्टर नेम इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. प्रेजेंट क्या होता है? गिफ्ट, उपहार. क्रिसमस का संसार का सबसे अच्छा उपहार. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका, इन 19th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों में युद्ध चल रहा था. उस दौरान ये जो ब्रिटिश कैप्टन थे मिस्टर जिम मैकफर्सन, उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने ये बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस डे पर किस तरह से दोनों सैनिकों ने, जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने युद्ध को बीच में विराम देते हुए किस उन्होंने किस तरह से पीसफुली इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था. तो उस उन्होंने अपनी वाइफ का जो लेटर लिखा है, उस लेटर में उस पूरे सेलिब्रेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. और मिसिस कोनी, जो उनकी वाइफ है मिस्टर जिम मैकफर्सन की, उन्होंने इस लेटर को बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों बोला है, ये हम चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट. डियर स्टूडेंट्स, आई कोने ऑथर हैं इस चैप्टर के, जो हमारे ऑथर हैं वो खुद ही नरेटर हैं. नरेट मीन्स क्या होता है? कहना, और नरेटर मीन्स कहने वाला. तो ये सारा चैप्टर कौन नरेट कर रहे हैं? ऑथर हिमसेल्फ. ओके, जहाँ भी आई आएगा वो ऑथर के लिए यूज होगा. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट. अब ऑथर, स्पॉटेड मीन्स होता है देखा, मैंने इसे देखा था जंक शॉप में. जंक शॉप क्या होता है? कबाड़ की दुकान ब्रिटपोर्ट में. ए रोल टॉप डेस्क, क्या देखा था कबाड़ की दुकान में? एक रोल टॉप डेस्क देखी थी. रोल टॉप मीन्स गोल सिरे वाली, गोलाकार सिरे वाली डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. जो मैन था, मैन कौन है, जो उस जंक शॉप में उसको सेल कर रहा था डेस्क को, तो जो मैन ने क्या कहा कि ये इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी की थी वो जो रोल टॉप डेस्क थी, और ओक मीन्स ओक के पेड़ की, बलूत के पेड़ लकड़ी से वो बनी हुई थी. आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन. ऑथर क्या कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ही ऐसी डेस्क चाहिए थी, बट दे वर ऑलवेज फार टू एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव होता महंगा, लेकिन वो हमेशा बहुत ज़्यादा महंगी होती थी. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. लेकिन ये जो रोल टॉप टैक्स थी जो ऑथर ने ब्रिटपोर्ट में देखी थी, वो क्या थी? बैड कंडीशन में थी, बुरी हालत में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. सेवरल मीन्स होते कई. जैसे इसका रोल टॉप था, ऊपर वाला हिस्सा था डेस्क का, वो सेवरल पीसेस कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मैंडेड. क्लम्सली मीन भद्दे ढंग से, मैंडेड मीन्स रिपेयर की हुई थी उसकी एक टांग, लेग उसकी डेस्क की. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और उसके एक साइड क्या थे? स्कॉच मार्क्स थे. स्कॉच मीन्स जले हुए के निशान. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. लेकिन ये जो डेस्क थी वो क्या थी? बहुत कम रुपये में बिक रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. अब ऑथर ने क्या सोचा कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसको रिस्टोर मीन्स क्या होता है? रिपेयर कर लेना चाहिए. मैं खरीद लूँ और मैं इसे रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी रिस्क ए चैलेंज. लेकिन ऑथर फिर भी क्या सोचते हैं, एक रिस्क होगा, एक खतरा होगा, चैलेंज होगा, चुनौती होगी उसके लिए. चुनौती क्यों बोल रहे हैं? कि मे बी ठीक हो या ना हो, बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन पोइट क्या कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि मुझे ये लेना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से उसकी इच्छा थी कि वो रोल टॉप डेस्क खरीदे. आई पेड वेरी लिटल मनी. सॉरी, आई पेड द मैन. मैंने उस आदमी को पैसे दिए. ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. और मैं उसे वर्क रूम मीन्स जहाँ पे उधर काम करते थे, वहाँ पे ब्रॉट इट बैक वापस उसे ले आए डेस्क को. एट द बैक ऑफ द गैरेज. कहाँ था वो? बैरक के गैरेज, गैराज के पीछे जो वर्क रूम था उसका, काम करने की जगह थी, वहाँ पे उस डेस्क को लेकर आए उधर. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और उन्होंने क्रिसमस ईव पे इस पे बिगेन मीन शुरू किया, काम करना शुरू किया उस डेस्क पर. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. जो ऑथर ने उसका रोल टॉप था, ऊपर वाला जो हिस्सा था, वो पूरा उतार दिया. पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. उसके ड्रॉर्स को पुल्ड मीन्स खींचा, पुल्ड आउट बाहर की तरफ खींचा. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. उसका विनियर मीन्स जो हम किसी भी लकड़ी को डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर जो शाइनिंग की जो हम परत चढ़ा देते उसको विनियर बोलते हैं. तो उसका जो विनियर था वो क्या था? ऑलमोस्ट पूरी तरह से लिफ्टेड मीन्स उठा हुआ था. इट टुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऑथर को ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी से डैमेज हुआ हो, खराब हुआ हो. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. टेकन देयर टॉल मीन्स खराब कर देना, नष्ट कर देना. तो ऑथर कह रहे थे कि जो फायर ने और आग ने और पानी ने उसका जो डेस्क को पूरी तरह से खराब कर दिया था. द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट. स्टक मीन होता है फंस जाना. तो लास्ट डोर था वो बुरी तरह से फंसा हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. ऑथर कह रहे हैं कि आई ट्राइड, मैंने पूरी कोशिश की ईज इट आउट जेंटली, किसको आराम से इजिली बाहर निकालने की.
इन द एंड एंड में आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में पूरी ताकत, पूरा जोर लगा देना। लास्ट में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस। स्ट्रक होता प्रहार करना, चोट करना। उसने तेजी से उस पर प्रहार किया, किससे? अपनी मुट्ठी से। द डोर फ्लू ओपन, डोर खुल गया। टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट डोर, उसके रिवील होता है खुलासा होना। तो जब वो डोर खुला तो उसमें क्या खुलासा हुआ, उस क्या था उसमें, एक गहराई पर नीचे एक सीक्रेट डोर था उस डेस्क के अंदर। देर वॉज समथिंग इन देर, उस सीक्रेट डोर में कुछ था। आई रेस्ट इन, उसने अपना हाथ अंदर पहुँचाया। टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर से टुक आउट होता बाहर निकालना, एक छोटा टिन का बॉक्स बाहर निकाला ब्लैक कलर का। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। एक लाइन मीन्स लाइन वाले नोट पेपर पे, कागज़ के टुकड़े पे, उस पर सेलो टेप से कागज़ का टुकड़ा उस पर चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर शेकी हैंड राइटिंग का मीनिंग है टेढ़े मेढ़े अक्षरों में। मान लो किसी के हाथ कांप रहे हो, जल्दबाजी में लिखते हैं तो हमारी शेकी हैंड राइटिंग आती है। तो इस पर जो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर। रिसीव्ड, रिसीव में मिलना, वो कब मिला था? January 25, 1915 को मिला था वो। टू बी बरीड विद मी, बरीड मीन दफना देना, मेरे साथ दफना देना। वैन द टाइम कम्स, इट मीन्स वैन द टाइम कम्स मीन्स वो, ये जो है मिस्टर जिम मैकफर्सन जो कैप्टन थे, उनकी वाइफ मिसिज कोनी का था जो वो बॉक्स था, डेस्क था, और उनकी वाइफ मिसिज कोनी ने उस पर लिखा हुआ था कि जब मैं वैन द टाइम कम मीन्स जब मेरी डेथ हो जाए तो ये जो लेटर है वो मेरे साथ बरीड मीन्स दफना देना। ओके, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग। अब जो ऑथर बोल रहे हैं कि आई न्यू, मैं जानता था, आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, मैं जानता था कि आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। अब ऑथर कह रहे कि मैं जानता था कि इस बॉक्स को ओपन करना रॉन्ग होगा, गलत होगा। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई कर्ब्स। कर्ब्स मीन नैतिक भावनाएं, क्यूरियोसिटी हम होती है उत्सुकता। तो लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि जो मेरी उत्सुकता थी वो मेरे कर्ब्स से, मेरी नैतिक भावना से ज़्यादा ऊपर थी, नैतिक भावनाओं पर हावी थी। इट यूजली डज, जैसा कि हमेशा ये करती है। हमेशा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम ये काम ना करें, सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि हम वो कर लेते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटफोर्ड डॉरसेट। डॉरसेट पे इंग्लैंड में एक जगह है। आई टुक आउट द लेटर, ऑथर ने लेटर को बाहर निकाला, अनफोल्डेड इट, इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था, डेटेड एट द टॉप, उसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914 में वो लिखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सेकेंड पार्ट में हम रीड करेंगे उस लेटर में जो उनकी क्रिसमस ई का डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, जो ऑथर मिस्टर जो कैप्टन मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस कोनी को लिखा था। ओके, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड फर्स्ट पार्ट केयरफुली।